दिल्ली सरकार ने जो ठेके खोले हैं उसके बाद विश्वास नगर गली नंबर 16 और 15 में जो ठेका है, भयंकर भीड़, दो बार पुलिस का लाठीचार्ज हो चुका है, लेकिन आधे लोग वो हैं जिन्होंने खाने का राशन मांगकर खाया है, जो खाने की लाइन में लगे थे और वही लोग ठेके की लाइन में लग रहे हैं। ये देखो, राशन हो ना हो पर दारू चाहिए सबको। अरविंद केजरीवाल साहब जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। एक आदमी तीन तीन बोतल ले जा रहा है और ये पुलिस लठ मारते हुए, ये देखो ठेकों को तोड़ने की नौबत आ गई है। छीरा छट्टी जेब काटी जा रही है लोगों की और ठेके के लिए दारू के लिए भीड़। ये देखो ये हमारे पुलिस वाले बेचारे, ये हमारे पुलिस वाले मेहनत कर रहे हैं, अपने जान पे खेल के कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को दारू बाजू को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि कोरोना फैलेगा या कोरोना बचेगा। अभी ACP साहब आए थे, SHO साहब आए थे, थाने का सारा स्टाफ आया है, लोगों को समझा रहे हैं कि तीन तीन मीटर का फासला रखो, लेकिन लोग दारू के चलते कोई भी सावधानी नहीं बरत रहा है, हर तरह से नियम तोड़े जा रहे हैं। बेचारा पुलिस वाला परेशान है और उसके कारण संक्रमण बढ़ने की 100% संभावना है। तो शराब का ठेकेदार अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए दुकान नहीं खोलना चाहता, इस विषय में लिखित आवेदन और निवेदन आबकारी विभाग को हम लोग दे चुके हैं और अभी से नहीं पहले से देते आ रहे हैं। आपको वो एक टेक्निकल बीच में बता दूं मैं, एक मूल कारण उसका ये है जिसमें भय और डर व्याप्त है जनता के बीच में, उसका ये कारण है कि जो 24 जिले अपने कोरोना से अभी बचे हुए हैं उन सारी जगहों में जो शराब की पेटियां आएंगी वो भयंकर कोरोना ग्रस्त एरिया में बन रही है, वहां से उनको लेके आएंगे वहां के लेबर, वहां के गाड़ी, वहां के लोग, और निश्चित रूप से ये 24 जिलों में एक भी कोरोना पैदा हुआ तो उसका जिम्मेदार